हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा प्रिय प्रोग्राम, उन्होंने जो को देखते हुए इस कार्यक्रम को बिहार में इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें शराब और भी निशे शामिल, उन्होंने शराब छुड़वाने के लिए मैं युवा जनता के साथियों का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार का, उनके पदाधिकारी साथियों का साधुवाद करने के लिए उनके कि दूध पियो शराब छोड़ो। और ये महात्मा गांधी के आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई धारा थी। महात्मा गांधी सबसे ज्यादा इस बात के विरोध थे कि शराब का सेवन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कई आंदोलन भी इसके लिए चलाए और फिर गांधी जी के नेतृत्व के अंडर में मुरारजी भाई काम करते थे। सबसे पहले उन्होंने गुजरात में शराबबंदी की, लेकिन जिस तरह की इफेक्टिव शराबबंदी बिहार में हुई देश के किसी हिस्से में नहीं हो पाई। हमें देश की और राजधानी में जाने का अवसर मिलता है, वहाँ पर भी खासतौर से महिलाओं के जत्थे रोज नए प्रोग्राम बनाते हैं शराबबंदी के लिए। मैं एक बार उन्हें युवा जनता के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। लेकिन सर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि होम डिलीवरी होने लगी है। विपक्ष के नेता खुद शराब के धंधे में शामिल रहे हैं, शराब माफियाओं से मिले हुए हैं, बिहार के अंदर शराब और खनन माफिया से मिले हुए लोग इस कार्यक्रम का विरोध करते हैं। ये आत्मा की शुद्धिकरण के लिए रेवेन्यू लॉसेज के जो लॉसेज हैं उनको आर्थिक लाभ में जीवन स्तर उठाने के लिए किया गया। शराब माफिया है तो संयुक्त बिहार में पहले नीतीश कुमार जी की सरकार के विधायकों को खरीदने के लिए कई अवसरों पर शराब माफिया और खनन माफिया ने ऊंचे पैमाने पर धन का दुरुपयोग किया है। इसलिए शराब माफियाओं की और खनन माफियाओं की आज की हम किरकिरी बने हुए हैं, लिहाजा वो हमारा जरूर। विपक्ष के लोग इससे विपक्ष के लोग कहते हैं कि वो एक तरह से इसका आलोचना करते हैं, ठीक से लागू नहीं। विपक्ष के लोग वो आलोचना कर रहे हैं जो शराब के अवैध वितरण के और शराब के ठेकेदारों के पैरोकार हैं। इसी तरह से उन्होंने खनन का भी विरोध किया। आज पूरे देश में युवा जनता दल के साथियों के द्वारा शराब छोड़ो और दूध पियो अभियान की शुरुआत हुई है और हम धन्यवाद देते हैं हम अपने पार्टी के तमाम नौजवान साथियों को। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर जम्मू कश्मीर तक देश के तमाम राज्यों में आज ये अभियान चल रहा है, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1 अप्रैल 2016 में जो बिहार में शराबबंदी लागू की, तो हम नौजवान साथी मांग करते हैं तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों से कि हर एक राज्य में शराबबंदी लागू हो और खासकर इस कार्यक्रम में जिस तरह से नौजवानों की जो आप संख्या देख रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि शराबबंदी लागू होने के बाद जो देश का हमारा भविष्य है वो सुधरेगा।